T20 वर्ल्ड कप शुरू होने को है, इससे पहले सभी टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन जिस टीम पर इस साल सबकी नजर होने वाली है वो है डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंग्लैंड। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह का खेल इस टीम ने दिखाया और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया वो पूरे तरीके से अकल्पनीय था। T20 वर्ल्ड कप में दो बार की चैंपियन टीम इस वर्ल्ड कप में भी काफी संतुलित नजर आ रही है। अगर इंग्लैंड टीम की बात करें तो उनकी कमान वर्ल्ड चैंपियन कप्तान जॉस बटलर के हाथों में है, वहीं फिल शॉर्ट, हैरी ब्रुक और बेन डकेट बतौर बल्लेबाज खेलते नजर आएंगे। विल जैक्स, टॉम हार्टली, सैम करन और मोइन अली बतौर ऑलराउंडर टीम में रहेंगे, वहीं कप्तान जॉस बटलर और जॉनी बेरिस्टो विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, रीस टोपली और मार्क वुड गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। टीम में जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन की वापसी से काफी मजबूती आई है, वहीं कप्तान बटलर, फिल शॉर्ट, सैम करन और विल जैक्स आईपीएल में अच्छा खेल कर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम की मजबूती को देखते हुए इस बार ये टीम अपना तीसरा T20 टाइटल जीतने की ओर बढ़ सकती है। टीम के पास मजबूत बैटिंग लाइनअप के अलावा शानदार बॉलिंग अटैक भी शामिल है। अब इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट जीतेगी या फिर नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये टीम T20 खिताब की सबसे बड़ी प्रबल दावेदार है। चाहे इंग्लैंड टीम अन्य सीरीज में कैसा भी प्रदर्शन करे, लेकिन बात अगर T20 की हो तो ये टीम सबसे पहले है। वहीं आपको बता दें, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान यॉन मॉर्गन ने भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने का प्रबल दावेदार करार दिया। मॉर्गन ने कहा कि भारतीय टीम में गहराई है और वो किसी भी टीम को बड़े अंतर से मात देने का दम रखती है। बता दें, इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान के साथ ग्रुप बी में शामिल किया गया है। इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप 2024 में अपना पहला मैच 4 जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना है। उसके बाद 8 जून को उन्हें ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है, जबकि 14 जून को इंग्लैंड को ओमान के खिलाफ और 15 जून को नामीबिया के खिलाफ खेलना है। इस ग्रुप की टीमों को देखते हुए इंग्लैंड का सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना लगभग तय माना जा रहा है। अभी फिलहाल इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैचों की T20I सीरीज खेल रही है, जिसका पहला और तीसरा मैच बारिश की वजह से धुल गया, लेकिन दूसरे मैच को इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 23 रनों से जीत लिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने इस मैच में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस किया उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि वे इस टूर्नामेंट को जीतने के प्रबल दावेदार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार इंग्लैंड की टीम अपना तीसरा टाइटल जीतने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।